अब देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मतलब एग्जाम की वजह से ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड तो उतना टाइम नहीं है कि मैं आप सबको एक एक करके बुलाऊं और गिव अवे कर सकूं। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करेगा उसको हम और UID भी डाल देना साथ में, ताकि हम आपको 8080 का दो टॉपअप दे सके। ठीक है, हर वीडियो में 8080 का दो टॉपअप मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कमेंट करने वाले को। तो लग जाओ काम पे। अब देखो यार, मैं वैसा बंदा हूँ ना जो किसी से दोस्ती निभाता हूँ ना तो बहुत अच्छे से निभाता हूँ, अगर किसी से दुश्मनी निभाता हूँ ना तो वो भी बहुत शिद्दत से निभाता हूँ। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोले। और फिर वही पुराना दोस्त जब बहुत आगे निकल जाता है तो कॉल भी करते हैं। ये बोलना जरूरी नहीं था। अब देखो यार, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाऊँ। मतलब हाँ, आई नो आप में से बहुत सारे लोग बोले साला पूरा एल्बम तो छाप दिया, आप क्या कर रहे हैं, मतलब इसको खत्म करते हैं। अब देखो इसके बाद फिर बहुत सारे लोग, अब मैं बोल रहा हूँ कि खत्म करते हैं तो इसके बाद बहुत सारे लोग झाड़ने आ जाएंगे कि भाई डर गया, भाई खत्म हो गया, भाई व्यूज नहीं आ रहे। तो देखो भैया, ज्यादा ना यहाँ पे ज्ञान मत पेलो, ठीक है। और हाँ, उससे पहले एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हो कि इस क्रिएटर के ऊपर ये बंदा वीडियो बना रहा है, इसके क्रिएटर के ऊपर हेट फैला रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हो यहाँ पर, ठीक है। जिस क्रिएटर के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको अगर लगता है कि मैं उसको हेट करता हूँ तो आप बिल्कुल गलत हो। हमारी वीडियो इधर बनती है, बात पीछे होती है उधर के। हाँ भाई कैसे, हाँ तो मतलब ऐसा समझो कि हमारी बातचीत होती है, किसी से भी कोई हेट नहीं है, सब दोस्त हैं, कोई पुराना ही दोस्ती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ कुछ टॉपिक्स थे तो उसको मैं क्लियर कर रहा था और बाकी जाने। और अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि इसको बंद करने का रीज़न क्या है। अब देखो, इसको बंद करने का पहला रीज़न ये है कि इन सब की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से सबसे पहले तो हेट बढ़ने लगा। मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करने का स्टार्ट कर रहा था, मतलब क्लियर करने का सोच रहा था, बट इन सब चीज़ों से हेट मिलने लगा। और मैं इतना बता दूं कि यार देखो, टूई भाई ना खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं किसी चीज़ को। मतलब कोई अगर बंदा बना रहा है तो वो भी क्रिएटर है ना, खुद का पास्ट देख के फिर बताओ कि हाँ वो क्रिएटर है या नहीं, सोच के बताया करो, ठीक है। किसी बंदे से ऐसा बोलने लगते हो, अभी थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि एक बंदे ने तो सीरीज ही बना दिया, तो यार ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ बना दिया सीरीज में, ठीक है। और यार देखो, अब सेकंड रीज़न है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो पढ़ाई वगैरह करना होता है और इन सब चीज़ों को बनाने में पहले तो वीडियो बना दो, ठीक है, उसके बाद फिर हेट झेलो, दबा के हेट झेलो, गालियाँ सुनो, इसका सब्सक्राइबर है तो तुम्हें गाली देगा, तुम्हारा सब्सक्राइबर है तो इसको गाली देगा। और मैं तो ऐसी जगह पर घुस गया था जहाँ दोनों के सब्सक्राइबर्स मेरे को हेट फैला सकते थे, मतलब इसका सब्सक्राइबर भी गाली देता था, उसका सब्सक्राइबर भी गाली देता, मतलब जिसको बात अच्छी नहीं लगी वो भी गाली दे दिया, ठीक है। और ये जो तुम टाइटल देखते हो ना, वाई अभिषेक लेफ्ट नेक्स्ट लेवल, तो ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ये 10 के सब्सक्राइबर तक चलाऊंगा, 10 के सब्सक्राइबर के बाद चेंज कर दूंगा। तो कल मैंने एक वीडियो डाला गेम प्ले का, आई नो वो बहुत गंदा था, मैं 5 मिनट में वीडियो, जैसे डेली अपलोड करने वाला शेड्यूल हो गया था ना चैनल का, यूट्यूब चैनल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप जब तक एक वीक किसी चीज़ को नहीं चला देते तब तक आप उसको चेंज करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है चैनल का, ठीक है। तो शायद अब एक वीक हो गया है रेगुलर वीडियो का, तो अब बंद करूँगा एक एक दिन छोड़ के, या फिर हाँ। और आप एक बार कमेंट करके बताओ कि आप कौन से यूट्यूबर का वीडियो देखते हो सबसे ज़्यादा, जो गेम प्ले का, ठीक है। मैं भी गेम प्ले करूँगा एक महीने तक, अब एग्ज़ाम तक गेम प्ले। अब देखो यार, पूरा सपोर्ट करना, उम्मीद है तुम सब सपोर्ट करोगे, और जब ज़रूरत पड़ेगा रोस्ट वाला वीडियो भी आएगा, एक्सपोज वाला वीडियो भी आएगा, मतलब मैं सब कुछ देने को रेडी हूँ, लेकिन वही है छोड़ो तो मतलब अपने तरफ से बेस्ट दूंगा जो भी करूंगा, ठीक है। और कल बहुत जल्दी में वीडियो आया था तो मेरे को मालूम था कि वो गंदा हो गया वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, और सच्ची में उसको किसी ने नहीं देखा, 2000 व्यूज आए हैं 24 घंटे के अंदर, लेकिन किसी ने ऑडियंस रिटेंशन ही नहीं, और धीरे धीरे वैसे कम जाता है तो समझो। अब देखो, कुछ चूते आके अब यहाँ पर कमेंट करेंगे कि तू इससे डर गया, या फिर तेरे को इसने लात मार के भगा दिया, या फिर ऐसा वैसा, तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, और ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा। तो अगर तुम बोल रहे हो कि अभी से एक टोई भाई का टट्टा था तो उसने कमेंट किया कि भाई तेरे को लात मार के भगा दिया अभिषेक ने, तो मैं बता देता हूँ कि हमारी घंटों घंटों तक डेली बात होती है, तो उसमें आप ड्रामे ना क्रिएट करो, ठीक है। पेल दें, सीधा पेलूँगा, फिर तुम्हारा परमानेंट मीम बना दूंगा। देख रहा हूँ तुम बंदों को लेकर ज़्यादा उड़ रहे हो, और ऐसा बता देता हूँ सबको कि देखो, किसी भी बंदे के ऊपर, ठीक है, किसी भी क्रिएटर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो मेरी सबसे बनती है, अभी तक बनती है। जैसे कि मैं बता दूँ, 3-4 लोगों पर ही मैंने रोस्ट बनाया, एक AS गेमिंग, तो उससे भी बातचीत हो जाती है, वो दोस्त है, मतलब वो तो अपना दोस्त है, वो कभी बुरा नहीं मानता। उसके बाद फिर बात करते हैं अभिषेक भाई के ऊपर, तो अभिषेक भाई के ऊपर भी वीडियो बना दिया मैंने, तो लेकिन अभिषेक भाई से भी बात होती है। और अब अगर आते हैं टोई भाई के ऊपर, तो टोई भाई को आज ही मैंने मैसेज किया, मैसेज देख के ब्लॉक कर दिया।
बाकी मैं ऐसे भी बातचीत नहीं करता किसी भी क्रिएटर यूट्यूबर से, अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जो मतलब क्लोज होते उसी से बात करोगे ना, किसी यूट्यूबर का नंबर मिल जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि तुम उससे बातचीत करते रहोगे। और मैं बस इतना ही इसलिए ये वाला वीडियो बनाया कि सब कुछ ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं किसी क्रिएटर का नाम यूज़ करके, हाँ थोड़े बहुत कमाए मैंने पैसा नहीं। आप सबको और क्लियर कर दूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी यूट्यूबर का नंबर मिलने से या किसी से दोस्ती होने से आपको आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे पास लगभग तीन साल से मैं हूँ ये सब यूट्यूबर्स के बीच में, मतलब जब बहुत पहले से हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का नंबर पड़ा है मेरे पास और सबसे बातचीत भी होती है, लेकिन किसी को अगर ऐसा बोलोगे ना कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो तो ये एकदम नहीं होगा। आप अगर इतना कितना भी ट्राई कर लोगे ना भाई, पैसे दे दो कुछ भी कर लो, आप अगर पैसे दे के ग्रो करोगे, पैसे दे के ग्रो करने होते या फिर किसी से ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर लेने होते तो मैं फ्री में भी करवा लेता, लेकिन ऐसा करवाओगे ना तो फिर बाद में मैं ही वीडियो बनाऊंगा कि भाई आई क्विट यूट्यूब ऐसा करके, ठीक है। तो आपके सब्सक्राइबर आपके खुद से बढ़ने दो। हाँ मालूम है मैंने बहुत ज्ञान पहल दिया। तो यार देखो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि गाइज बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही थे, बाकी कल से गेम प्ले वगैरह वाली वीडियो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने तक आएगा और बहुत सारा कंटेंट ट्राई करना है तो सब कुछ ट्राई करूँगा। उसके बाद जो आप लोगों को पसंद आएगा उसी चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। किस चीज़ से स्टार्ट करूँ ट्राई करना आप कमेंट में बता दो। और वीकली जितना है तो बस जो मैंने बताया है फॉलो कर लो प्रोसीजर। और इंस्टाग्राम पे 26 फॉलोवर्स और चाहिए 1000 फॉलोवर्स के लिए, तो 26 फॉलो कर देना, जो लास्ट तक देख रहे हो वो फॉलो कर देना ताकि मेरे को पता चल जाए, ठीक है। और जो गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो मेरा खुद का वो भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो डाल रखा है मैंने, अपने चैनल विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। आपको ये वाला वीडियो भी पसंद नहीं आया तो आपको आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला, आप गाली दे सकते हो। और जिसको पसंद आया वो एकदम अच्छे से प्यारा सा कमेंट करो, प्यारा सा लाइक करो एकदम वीडियो पे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। आपका दिन मंगलमय हो। करा तुम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे, हर कोरोना की दवाई कोरोना की दवाई, और सांझ को भाई नौकर करके आंख मार के और बोला कोरोना की नाती भैया।